आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगे हैं हमसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, पाकिस्तान में कॉमेडी के किंग और बेताज बादशाह शहबाज शरीफ को माना जाता है। ये जब से अपने मनसब पर बैठे हैं, इन्होंने एक दिन भी सुकून का नहीं देखा, क्योंकि इनकी हर हरकत हर चाल उन्हीं को उल्टी पड़ जाती है। तो चलिए आज हम आपको हमारे इस नमूने के कुछ मजाया तरीन लम्हात दिखाते हैं, मगर उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, ये वही शख्स है जो खान साहब के दौर में फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए जुलूस निकाला करता था और तहरीके लब्बैक वालों को जलाओ गिराओ करने के लिए भड़काया करता था। आज खुद जाकर फ्रांस के सफीर के पांव चाटने शुरू कर दिए हैं और पैसे मिलने के बाद किस तरह उनकी भिखारियों की तरह चापलूसी कर रहे हैं, जरा आप खुद देख ले। हम फ्रांस के सदर मौजूद थे जूम पर। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 340 मिलियन यूरोस का ऐलान किया है। मैं सदर फ्रांस का दिल की अथाह कराई। ये भी देख ले जनाब, यहाँ पर हमारे चेरी ब्लॉसम ने बिलावल को मौके पर ही लड़की बना डाला। जरा आप भी सुन ले, हमारी हुकूमत की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, फिर ये कहते हैं कि तुम लोग हमारे वजीर खारजा को बिल्लो रानी के नाम से क्यों पुकारते हो। हमारी हुकूमत की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, हमारी हुकूमत की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो। दोस्तों, ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता खुद को भिखारी कबूल करना शुरू हो गए। आखिरकार इन्होंने भी सच बोलना शुरू कर दिया है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगे हैं हमसे। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं। दोस्तों, इनकी हालत कुछ यूं हो गई है कि लोग इनके बारे में कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार करते हुए आपको नजर आएंगे। ये थर्ड क्लास आदमी, ये तारीफ के काबिल नहीं है और मेरे लफ्ज बहुत कीमती हैं। पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। नवाज शरीफ साहब के लिए एक लाइन, वो लाइन के काबिल ही नहीं है। अल्लाह हमें माफ कर दे, ये कैसा वजीर आजम हम पर मुसल्लत हो गया है जिसे दुपट्टा कहना भी नहीं आता। आपने वो मगर पटा तो नहीं आपने लगाया था? पटा तो सॉरी, मैं माफ चाहता हूँ। वो रुबटा, रुबटा जो बटा था वो क्या था? वो रुमाल था या जो भी था वो सब शॉल, शॉल। मैं माफ चाहता हूँ। दोस्तों, खान साहब हमेशा कहते हैं कि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और ना ही ये कोशिश करते हैं। इस बात की जिंदा मिसाल हमारा ये फोरमैन है जो कह रहे हैं कि अलामा इकबाल 1857 की जंग आज़ादी में शायरी किया करते थे, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि अलामा इकबाल 1877 में पैदा हुए थे। शांगला के अजीम बुजुर्गो, नौजवान साथियों, मेरी बात सुन लो। ये इकबाल ने कहा था कि तमन्ना और मुसलमानों को पैगाम दिया 1857 में जब हिंदुस्तान जब था, उस वक्त आजादी की जब जंग लड़ी गई तो वहां पर जो अंग्रेज के टोडी थे उनको इकबाल ने पुकारा और ये कहा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजारे हस्ती में तो कांटों में। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।